हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये एक ही दिन में मैं दूसरा व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं का हेलोवीन इवेंट हुआ है नागपुर में, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे। तो ऐसा है कि वो इवेंट नागपुर में पहली बार हुआ है, बाहर का कल्चर है जो अभी नागपुर में हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम शायद नागपुर में हुआ ही है, क्योंकि मेरे को अभी पता चला है कि वहाँ पे वो इवेंट है। तो वहाँ पे इनवाइटेड थे हम, तो वहाँ पे हम थोड़ा जाके देखेंगे कि इवेंट कैसा है। तो अभी मतलब हो तो चुका है अच्छा खासा लेट, तो जल्दी जाता है क्योंकि इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज हम इवेंट में आए हुए थे जिसका नाम है हेलोवीन मेकर्स फेयर। तो ये कुछ ऐसा स्टार्टअप है जो यहाँ पे वॉलेंटियर्स है, वो यहाँ पे मतलब जब हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे वो टैग दे रहे हैं। तो भैया आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये जो टैग्स वगैरह लगा रहे हैं तो इसका एंट्री फीस कितना होगा? 50 रुपीज़ पर पर्सन ओके एंट्री फीस रहेगा। ओके, इसके साथ आपको कूपन्स भी मिल रहा है, ओके एवं के कूपन्स मिल रहे हैं आपको। ओके, बाद में ऑरेंज सिटी मोबाइल कलेक्शन के मिल रहे हैं। मीन्स दे आर योर स्पॉन्सर्स? यस यस, स्पॉन्सर है ऑन सम स्टॉल्स आल्सो देयर। ओके, दे आर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10 to 20%। मीन्स ये यहाँ पे ऐसे कुछ टैग्स हैं, दो टैग्स लगा रहे हैं, ये स्टैम्प है इनका जो हाथ पे स्टैम्प लगता है, वो ऐसा कुछ स्टैम्प है हेलोवीन का। दिस इज़ मतलब पहली बार नागपुर में ऐसा एक इवेंट देखने मिल रहा है कि जो बाहर का कल्चर जो हमारे नागपुर में फॉलो हो रहा है, और इस तरीके से बाहर का कुछ आउटलेट है। अभी हम थोड़ा अंदर का एक टूर लेंगे कि अंदर का मतलब ये जो इवेंट है। मैम इज द वॉलंटियर ऑफ दिस इवेंट, तो मैम आप दोनों का नाम बता सकते हैं? सो मैम हमको अभी पूरा गाइड करेंगे यहाँ पे, हमको एक पूरा यहाँ का हेलोवीन का जो इवेंट है उसका हमको टूर देंगे, और इस टूर में हमको मैम बताएंगे कि यहाँ पे ये जो थीम है वो क्यों रखी गई है और किस पर्पज़ से रखी गई। मैम इसका एक्चुअली मुझे पता करना था कि इसका मोटो क्या था। एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ मोस्टली ये पीपल आर लिटिल फ्री बिफोर दिवाली, दे वॉन्ट टू शॉप थिंग्स, सो वी हैव दिस इज नॉट जस्ट अ हेलोवीन थीम पार्टी काइंड ऑफ थिंग, सो दिस इज ऑल्सो अ फेस्ट। यहाँ पे जो भी स्मॉल ब्रांड्स हैं दे हैव केप्ट देयर यू नो द ब्रांड्स फॉर डिस्प्ले देयर सेलिंग स्टफ, एंड प्लस यहाँ हेलोवीन थीम का काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होने वाला है, कॉस्प्ले है यहाँ पे शाम में जैसा आपको पता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में सुबह से लेके अभी तक कितने इवेंट्स हुए हैं? सुबह से लेके यहाँ दिन भर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। ओके, एंड इवन इफ देयर इज अ लिटिल स्पैन जहाँ नहीं हो रहा है कुछ, तो देयर आर स्टॉल्स यू कैन विजिट एंड फूड इज वेरी नाइस। सो गाइज ये बहुत वर्थ है यहाँ पे घूमना। तो मैम ये सिर्फ आज के दिन है या एक दो दिन और चलेगा ये? दिस वाज यस्टरडे एंड ओके, मतलब हम भी लास्ट डे में आए। सो ये टू डेज इवेंट था, तो इसके पहले जो लोग आए होंगे उनको कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग ने यहाँ पे विजिट किया है, और आज मतलब जैसा मैम ने बताया लास्ट डे, तो आज हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और इस इवेंट को मैं पहली बार मतलब देखने आया हूँ कि इवेंट ये कैसा रहता है। देर इज़ अनदर स्टॉल नेम क्रिएटिव की, तो मैम आप ये स्टॉल के बारे में आप मुझे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो ऑल ऑफ दिस इज रेजिन आर्ट, ओके, इट्स होम डेकोर एंड एसेसरीज, ओके, एंड एवरीथिंग इज हैंडमेड बाय मी एंड आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। सो आपने यहाँ पे जितने भी डिजाइन है, यहाँ पे हम मतलब जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये आपने खुद ने बनाया? एवरीथिंग इज हैंडमेड, मींस ये जो वॉच है आर्ट इज कॉल्ड रेजिन आर्ट, ओके, और इसमें होम डेकोर एंड एसेसरीज है। ओके, सो इसमें एक ऐसा चीज़ बता सकते हो आपकी जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो? क्लॉक्स आर यूनिक एंड दिस इज आल्सो यूनिक एक्चुअली, दिस इज अ रेजिन लैम्प, ओके, सो ड्यू टू ब्राइटनेस इट्स नॉट शाइनिंग दैट मच, ओके, बट इट्स लाइक एन एलईडी रेजिन लैम्प। ओके ओके, सो दिस इज अ रेजिन लैम्प एंड दिस इज आल्सो यूनिक। सो ये भी बहुत एक अच्छा आर्ट है, मैम ने जो भी हमको पूरा बताया वो बहुत ही पसंद है, तो थैंक यू मैम। सो गाइज अभी हम आए हुए थे द आर्ट मॉन्गर के स्टॉल पे, तो मैं भैया को पूछ रहा था कि आपका कंसेप्ट क्या है स्टॉल के पीछे? एक्चुअली आई जस्ट वांटेड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माय इलस्ट्रेशन, ओके, एंड
Actually, I'm a professional architect. Okay. I practice my architecture. Okay. So it all started with doodling. Then okay. It converted into illustration. Then it converted into me making an illustration. And I just became illustrator. Okay. So what's the unique thing? So I have magnets. Like I didn't get your question. This is a leafling nursery stall. So यहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है इनका कुछ बहुत ही अलग है कंसेप्ट है. तो मैम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके स्टॉल के यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? So yeah, I have all things green here. Okay. My brand name is Leaflings. Okay. And we have the Instagram handle in the name of Leaflings Nagpur. Okay. So I have tried to come up with all the fancy plants, cactus, succulents. Youngsters are very attracted to these plants. Okay. So I want the young generation have they also go into something green. Okay. So go green is my motive, and that motive I want to run in the youth. Okay. Yeah. Means you are running under the eco-friendly India. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. So guys, so अभी व्लॉग का यहीं एंड करते हैं. ये व्लॉग में इतना ही. सो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा तो वीडियो ज़रूर से लाइक करके जाना. नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि ये जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले. सो टिल देन कीप सपोर्टिंग. स्टे फिट स्टे हेल्थी फिट द पुअर सेल्फ इच अदर्स एंड टेक केयर. बाय बाय.